हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रूनी रसोई। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले एक कटोरी हम साबूदाना लेंगे और उसे अच्छे से धो लेंगे जब तक कि पानी साफ़ नहीं हो जाता है। 4 से 5 बार ही धोएंगे तो पानी साफ़ हो जाएगा। तब हम इसमें साफ़ पानी डाल के और भीगने के लिए रख देंगे 4 से 5 घंटे के लिए। और पानी हमें उतना ही डालना है जितनी साबूदाना डूब जाए, एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना है। 4 से 5 घंटे बाद आप देख सकते हैं साबूदाना है वो अच्छे से भीग गए हैं, एकदम खिले खिले हैं। और अगर थोड़ा सा पानी ज़्यादा भी हो तो हम इसे कपड़े पे या छलनी में निकाल के रख देंगे। और आप देख सकते हैं साबूदाने कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, क्योंकि अगर हम इसे दोबारा साबूदाना बनाएं तो दोबारा भी साबूदाना की शेप में आ जा रहा है। तो इसी तरह का साबूदाना हमें खिचड़ी के लिए चाहिए। उसके बाद हम कढ़ाई में डालेंगे घी 1 चम्मच। व्रत के लिए बना रही हूँ इसलिए मैंने घी यूज़ किया, अदरवाइज़ हम तेल में भी बना सकते हैं। मूंगफली को रोस्ट कर लेंगे और इसे निकाल लेंगे। सेम कढ़ाई में हम 1/2 चम्मच घी और डालेंगे और घी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। तब हम इसमें डाल देंगे जीरा, कच्चे आलू डाल देंगे। आप चाहो तो आलू को उबाल के भी यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कच्चे आलू ऐड किए हैं तो इनको अच्छे से हम भून लेंगे। 5 से 6 मिनट में ये अच्छे से पक जाएंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कड़ी पत्ता, अदरक और हरी मिर्ची, उनको भी पका लेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से करके जाना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। आलू हैं वो अच्छे से पक गए हैं, मसाले भी पक गए। अब हम ऐड कर देंगे साबूदाना और साबूदाना आप देख सकते हैं एकदम खिले खिले हैं। और ये प्रोसेस है हमें हाई फ्लेम पे करना है। उसके बाद हम साबूदाना में ऐड कर देंगे काली मिर्च पाउडर, सेंधा नमक और मूँगफली का पाउडर। अच्छे से मिक्स कर देंगे इन्हें। थोड़ी सी मूंगफली जो हमने रोस्ट की थी वो डाल देंगे और नींबू का रस। अगर आपको मीठा भी पसंद है तो थोड़ी सी चीनी भी ऐड कर सकते हैं। हाई फ्लेम पे हम लगभग 1 से 1.5 मिनट तक ये प्रोसेस करेंगे। ज़्यादा देर हमें गैस पे नहीं रखना है, नहीं तो खिचड़ी है वो चिपचिपी हो जाएगी। और खिचड़ी बनके तैयार है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। आप देख सकते हैं साबूदाना है वो बिल्कुल खिला खिला है। अलग अलग खिचड़ी है वो एकदम बढ़िया से बनके तैयार हो गई है। अलग अलग साबूदाना है, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी दिख रही है। जितनी अच्छी है उतनी ही ये टेस्टी भी है। आप बनाइए और खाइए और मुझे बताइए कि कैसे लगी आपको। और थोड़ी सी धनिया पत्ती और अनारदाना से इसे गार्निश कर देंगे। अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए।